हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेंच क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है मसाले वाले लाल आलू। सर्दियों में लाल आलू इजीली अवेलेबल होते हैं और इस मौसम में इन्हें खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप मसाले वाले लाल आलू को या तो स्नैक के तौर पर खा सकते हैं या फिर इसे रोटी, पराठे, नान या पूरी के साथ में सर्व कर सकते हैं। लेकिन आज की इस चटपटी सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहें लेटेस्ट अपडेट्स। आज की रेसिपी के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम लाल आलू। मैंने इन्हें अच्छे से धोने के बाद में प्रेशर कुकर में उबाल लिया था और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें छील लेंगे। और अब हम तैयारी करते हैं इसके मसाले की। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम हरा धनिया और साथ ही इसमें डाल रही हूँ कुछ हरी मिर्चें। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक। अदरक को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 10 से 15 लहसुन की कलियाँ। अगर आप चाहें तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हमें एकदम फाइन पेस्ट तैयार करना है, एकदम चटनी की तरह। और ये इसका फाइन पेस्ट बनके तैयार है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक नॉनस्टिक पैन में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप देसी घी। आप चाहें तो देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की ट्रेडिशनल सब्जियों में देसी घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/8 टीस्पून हींग। हींग के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा। जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को स्टर करें और अच्छे से भून लें। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें। जब सारे मसाले भुन जाएंगे तब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरे धनिए का पेस्ट जो कि हमने अभी पीसा था। इस मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो सेमी ड्राई ना हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर हमने डाला था वो अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी लाल आलू जो कि हमने पहले से उबाल के, छील के और काट के रखे थे। और अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद में सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर करें। गैस की फ्लेम लो पर कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इस कढ़ाई को लिड से ढक दूंगी। आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मसाले ने भी अच्छे से आलू को कोट कर लिया है। और अब मैं कढ़ाई पर लिड लगा रही हूँ और इसे लो फ्लेम पर हम 10 मिनट तक पकाएंगे। और 10 मिनट के बाद में ये सब्जी एकदम बनके तैयार है। आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग बेंच क्रेविंग्स।